भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीरों की भर्ती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम और जनपद जौनपुर को लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, यहां के स्थानीय विधायक श्री गिरीश चंद यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय विधायकगण श्री रमेश चंद मिश्र जी, रमेश सिंह जी, आर के पटेल जी, विधायक पेंड्रा श्री अवधेश सिंह जी, एमएलसी श्री ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, मसली शहर के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, चेयरमैन श्रीमती मनोरमा मौर्या जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अमरनाथ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जौनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वीरों की धरती पर वीर शिरोमणि की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूं, नगर निकाय चुनाव में आया था और दशकों की जो एक ख्वाहिश थी कि यहां भी कमल खिलना चाहिए नगर पालिका परिषद में, आप लोगों ने श्रीमती मनोरमा मौर्य जी को विजयी बना करके यहां पर भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने के लिए अपना बहुमत दिया, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों भाइयों, जब यहां पर आएंगे तो स्वाभाविक रूप से विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनके लिए हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उन प्रयासों और संघर्षों का परिणाम जनता जनार्दन को सौगात के रूप में लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात यहां प्राप्त हो रही है, इसकी भी मैं जौनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए। गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आपके कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका, अब वे भी यहां के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे।
ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज की हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है, ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है तो देश की समृद्धि के लिए भी अहर्निश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक ही बात कही थी। 75 वर्ष की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है आजादी की, अब लक्ष्य क्या होना है। जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब हमारे सामने एक सपना होना चाहिए आज कि जिसको हम 25 वर्षों के अंदर एक रोड मैप के रूप में आगे बढ़ा सकें। वो होगा विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत और विकसित भारत के लिए पंच प्रण का एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक को दिया था। बहनों भाइयों, उसमें गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने का भी एक संकल्प है और महाराणा प्रताप देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले एक महानायक के रूप में है। याद करिए, उन्होंने जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके उन्होंने एक ही बात कही थी, सब कुछ होगा, घास की रोटी खाऊंगा लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने शीश नहीं झुकाऊंगा। अपने स्वाभिमान के साथ सौदेबाजी नहीं होने दूंगा। इसके लिए लड़ते रहे अकबर। उस समय के बड़ी सेना के रूप में जाने जाते थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, बड़ी सेना, महाभारत में भी तो कौरवों के पास बड़ी सेना थी, लेकिन अंततः विजय तो 5 पांडवों की हुई थी। ऐसे ही महाराणा प्रताप ने भी संकल्प लिया था, मैं इस विदेशी आक्रांता के सामने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखूंगा और इसके लिए उसके खिलाफ लड़ते रहे। और अपने जीवन में ही उन्होंने वे सभी दुर्ग और किले वापस ले लिए थे जो अकबर ने छल से, छत्म से, युद्ध से महाराणा प्रताप से छीनने के प्रयास किए थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ही युद्ध के माध्यम से उन्हें फिर से वापस लेकर के मेवाड़ के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान का, राष्ट्रीय शौर्य का जो पताका फहराया था, आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बना करके जब भी भारत के अंदर देश और स्वाभिमान की बात आती है, शौर्य और पराक्रम की बात आती है, हर भारतवासी के मन में महाराणा प्रताप का चित्र उभर करके सामने आता है। महाराणा प्रताप एक राष्ट्रनायक के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज एक राष्ट्रनायक के रूप में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक महानायक के रूप में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महानायिका के रूप में देशवासियों के सामने श्रद्धा के साथ हर भारतवासी इनका स्मरण करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है, जौनपुर की धरती,
यह परिश्रमी और पुरुषार्थी लोगों की धरती है। यहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जौनपुर को एक पहचान दिलाई, और पहचान जो यहां पर थे परंपरा से, उन लोगों ने यहां की पहचान यहां के इत्र से भी और यहां की इमृति से भी दिलाई। जो यहां से बाहर गए, मुंबई गए, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहां अपनी उद्यमशीलता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा वहां मनवाया। और जो लोग किसी संस्थान में गए, वहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनकर के, उन लोगों ने वहां भी अपनी पताका को पहनाने में कोई कोताही नहीं करते। हर एक क्षेत्र में यह जनपद तो बड़ा उर्वरा है इस मामले में। आदि गंगा के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इसको प्राप्त होता रहा है। यहां के हस्तशिल्पी, यहां के कारीगर, यहां का होकर और यहां की प्रतिभा, जब भी उसे अवसर मिला वो कभी चूका नहीं है, कभी नहीं चूका है, हमेशा उसने अपने आप को साबित किया है। और यही तो मोदी जी की का यही संकल्प है, हम इन सबको, किसी को पीएम विश्वकर्मा के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्वदेश और स्वाभिमान का वही प्रतीक है जो हमें राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोकर के आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे। आज सरकार बैरियर नहीं बनती, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस प्रकार का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। जहां पे कोई बड़ा आयोजन होता है वहां पे पुष्प वर्षा भी करती है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करती है। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में 3300 करोड़ रुपए के निवेश करा रहा है। कोई सोचता था कि जौनपुर में भी कोई बड़े उद्योग आएंगे? आज निवेश आ रहा है, एसटीपी लग रही है, फोर लेन बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, गोमती नदी में पुल बन रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी यहां के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर घर में नल की योजना लागू हो रही है, शुद्ध पेयजल, हर गरीब को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, और हर निराश्रित बालक को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है।
आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में जो बच्चे जिनके अभिभावक उस महामारी की चपेट में आ गए थे, उनके लिए सरकार ने पेंशन की व्यवस्था भी की है, उनके लिए लैपटॉप भी दे रही है, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था भी कर रही है, श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अब हम हर जनपद में इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। कोई सोचता था गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी, लेकिन आज संभव हो पाया है। स्वर्गीय उमाजनाथ सिंह गौर